Good morning everyone. In the previous videos, we have discussed many questions of exercise 14.2 which were related to factorize. Okay, factorize, the very first technique we have learned that how we can factorize the given expression by taking out the common factors and whatever is remaining that we can keep it in bracket. Second way we have learned that we will see that whether if any of these four identities is applicable to the given question or not. जो भी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें क्या कोई आइडेंटिटी लग सकती है, कोई आइडेंटिटी सेट हो रही है, ठीक है. उसमें भी फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी पहचानना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि ठीक है पहला और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, या मतलब उसमें हमें दो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए एंड वन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2ab और -2ab. थर्ड आइडेंटिटी इज इजी टू आइडेंटिफाई दैट इफ टू टर्म्स आर गिवन एंड बोथ द टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर विद माइनस साइन इन बिटवीन, देन ऑब्वियसली थर्ड आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल. अगर दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन भी है, तो थर्ड लग जाएगी. देर आर सम क्वेश्चन लाइक इन फोर्थ क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड, देर आर फैक्टराइज इन विच माइनस साइन इज देयर, बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो बट दे आर इन द पावर ऑफ फोर. अगर फोर की पावर में है देन वॉट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई द थर्ड आइडेंटिटी टू टाइम्स. ओके, वेन वी विल अप्लाई इट फर्स्ट टाइम तो जो फोर पावर है वो टू बन जाएगी, पावर विल बी रिड्यूस टू हाफ. ओके, फिर प्लस वाला एज इट इज रहेगा, माइनस वाले में अगेन वी कैन अप्लाई द थर्ड आइडेंटिटी एंड द पावर टू विल रिड्यूस टू वन. ठीक है, सो दिस वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ. नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड दिस काइंड ऑफ फैक्टराइज विच वी आर गोइंग टू डू that will be applicable in our class 9th as well as class 10th. ठीक है, higher classes या 11th 12th में भी जब भी हम पढ़ेंगे तो ये तो factorize ऐसा जो हमें पक्के से आना ही चाहिए. okay, this is very important. और बहुत मुश्किल नहीं है, बस एक बार इसकी trick समझ में आ जाए हमें. ठीक है, बस trick समझने तक की देरी है, उसके बाद तो ये बहुत ही simple factorize है. ठीक है, मैं आपको वन बाय वन करके चलिए भाई इस पे समझाती हूँ. ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट. ओके, जैसे पहले आपको कोई क्वेश्चन आया नॉर्मल फैक्टराइज, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होगा फैक्टराइज, ये नहीं लिखा होगा कैसे फैक्टराइज करना है. अब इसको दो मिनट देखिए, इसको अगर मैं देखूंगी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तीनों में कॉमन आए. ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर वाला फेल. सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं, तीन टर्म्स तो है इसमें, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है पर एट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, तो जो हमारी चार आइडेंटिटी में से जो पहला वाला हो सकता था उसके भी चांसेस खत्म हो गए. ठीक है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. अब हम जो इसको फैक्टराइज करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करने वाले हैं इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. क्या नाम है इसका? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. जब हम इसको, ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म जिसमें एक नंबर होगा एक वेरिएबल होगा, दोनों होने चाहिए. ठीक है, नंबर एंड वेरिएबल बोथ. तो इसमें हम क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं. और जब आप इसको नोट मतलब ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली ये फोर्थ आइडेंटिटी है. ये जो हम लोग करने जा रहे हैं इसमें कॉन्सेप्ट किसका यूज हो रहा है? फोर्थ आइडेंटिटी का. फोर्थ आइडेंटिटी मैं एक बार यहां आपको लिख देती हूं ताकि आपको रिवाइज हो क्या है फोर्थ आइडेंटिटी. इट इज एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर सॉरी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, पहला टर्म दोनों में सेम होता है, ये दूसरा दोनों टर्म डिफरेंट होते हैं. दिस ए कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, सेम फॉर बी. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी. तो यही आइडेंटिटी हमारी यूज होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में. ये जो मिडिल टर्म है ना इसको मैं ऐसे दो टर्म में स्प्लिट कर देती हूँ. ठीक है, स्प्लिट करने के बाद फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. ठीक है, जैसे इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, फिर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा. तो टेक्निक यही है कि इसके मिडिल टर्म को क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिट कर देते हैं. अब स्प्लिट कैसे किया जाए? ठीक है, स्प्लिट करने का क्या रूल है वो आप ध्यान से देखिए. तो एक बार आप इनकी आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए किस किस टाइप के टर्म्स है इसमें. इसमें एक जो होता है वो ऐसे स्क्वायर में होगा, ठीक है, वेरिएबल का स्क्वायर. दूसरा सिर्फ नंबर होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. या मैं इसको क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में अगर लिखूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म
ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, ए कोई नंबर हो सकता है, बी कोई नंबर हो सकता है, सी भी कोई नंबर होगा. तो ये लास्ट वाला टर्म क्या होता है, कॉन्स्टेंट. इसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, इसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी, फिक्स्ड है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ द फर्स्ट रूल इज दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस ए एंड सी. ए और सी को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. जैसे इसके आगे कुछ नहीं, मीन्स इट इज 1 एंड सी इज 8. तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया, 1 × 8 इज 8. ठीक है, अब मुझे 8 के सारे फैक्टर्स ढूंढने. 8 कैसे कैसे आ सकता है, 8 कैन बी 1 × 8 और 2 × 4 इज ऑल्सो 8. ओके, दीज आर द टू वेज जिससे 8 आ सकता है. मतलब एक है 1 और 8 उसका फैक्टर है, दूसरा है 2 और 4. अब इन दोनों में से आपको उस फैक्टर का पेयर चूज करना है जिसको प्लस या फिर माइनस करके 6 बन जाए. आई एम अगेन रिपीटिंग, इस फर्स्ट को और लास्ट को, फर्स्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म होगा और जो भी लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म, दैट इज ओनली कांस्टेंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले, और जो भी नंबर आ जाए मल्टीप्लाई करके आए 8. हम देखेंगे 8 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. 8 कैसे कैसे आ सकता है, 1 × 8 = 2, 4 × 8. ठीक है, तो अब इन दोनों में से किसको चूज करूं, जिसको वो फैक्टर चूज करूं जिसको प्लस या माइनस करके 6 बन जाए. तो 1 और 8 को अगर मैं लेती हूं तो उसको प्लस करूं या माइनस करूं, 6 तो नहीं आएगा. सो द नेक्स्ट इज दिस वन. ठीक है, तो पी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूं, 2p + 4p. 6p को मैंने तोड़ दिया 2p और 4p में. कैसे पता चला 2 और 4, 8 के फैक्टर्स होने चाहिए वो. देन प्लस 8. नाउ हियर आर 4 टर्म्स. नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू वी कैन टेक आउट पी एस कॉमन, इन ब्रैकेट आई विल हैव p + 2. फ्रॉम द लास्ट टू आई कैन टेक आउट 4s कॉमन, इन ब्रैकेट आई विल हैव p + 2. ये हम जैसे पिछला करते आए हैं कि अगर 4 टर्म हो, बस इस स्प्लिटिंग का मेन रोल है. इसको स्प्लिट करने का एक ही टेक्निक है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर आए उसी के अकॉर्डिंग हमें फैक्टर डिसाइड करना है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग और बीच वाले टर्म के अकॉर्डिंग, ये दो चीजें हमें देखनी है. सो नाउ 2 ब्रैकेट्स आर कॉमन, सो दैट कैन कम आउट एज कॉमन p + 2 p + 4. सो दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइज ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ सिमिलरली व्हेन यू विल लुक एट सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में भी इसका कोफिशियंट क्या है, देख लीजिए फॉर्म देख लीजिए, पहले पावर 2 देन पावर 1 एंड देन नो वेरिएबल. सो दिस इज इन दिस फॉर्म, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21. तो 21 मतलब 1 × 21 इज 21. अब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 21 कर लें या 3 × 7 कर लें, बस इन्हीं दो तरीके से आ सकता है. अब 10 बनाने के लिए, और 10 भी नहीं, हमें क्या बनाना है, -10 बनाना है. तो -10 बनाने के लिए 1 और 21 को किसी भी तरीके से प्लस माइनस करेंगे तो -10 तो नहीं बनेगा. 3 और 7 से 10 बन सकता है, 3 + 7 = 10 होता है, बट वॉट वी नीड -10. तो -10 कैसे बनेगा, -3 और -7 से. इफ बोथ द साइंस आर सेम देन ओनली द नंबर विल बी एडेड. नाउ इफ आई विल टेक बोथ एज पॉजिटिव देन इट विल कम एज +10. इफ आई विल टेक बोथ एज नेगेटिव देन इट विल कम एज -10. सो हाउ आई विल स्प्लिट इट, q² - 3q - 7q + 21. नाउ फ्रॉम दीज टू ब्रैकेट वी कैन टेक आउट q एज कॉमन, q - 3. फ्रॉम हेयर इफ आई एम टेकिंग +7 अगर कॉमन लूंगी तो ब्रैकेट में -q + 3 आएगा. वट आई विल टेक, आई विल टेक -7 एज कॉमन. तो यहां क्या बचेगा, q, एंड दिस विल बिकम -3. माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस. नाउ दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम, सो q - 3 इन वन ब्रैकेट एंड देन q - 7 इन अनदर ब्रैकेट. सो दिस वॉज अगेन वेरी सिंपल. ठीक है, थर्ड पार्ट अगर हम लोग देखेंगे, इन थर्ड पार्ट वी हैव p² + 6p - 16.
ओके नाउ अगेन दिस इज 1 एंड दिस इज -16 तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है -16 प्रोडक्ट इज -16 इसी के हमें फैक्टर देखने हैं सो इधर वी कैन हैव 8 × 2 अब इसमें से हम चाहे तो 8 को भी नेगेटिव रख सकते हैं या फिर 2 को नेगेटिव रख सकते हैं एनी वन शुड बी नेगेटिव टू हैव -16 और वी कैन हैव 1 × 16 और वी कैन हैव 4 × 4 = 16 तो ये मैंने इसके अलग अलग फैक्टर ढूंढ लिए नाउ 6 बनाने के लिए देखो 4 और 4 से 6 को किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा नाइदर बाय एडिंग नॉर बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 और 16 ऑल्सो वी कांट गेट 6 फ्रॉम 8 और 2 वी कैन गेट 6 कैसे 8 − 2 ठीक है तो मतलब 8 और हमें +6 चाहिए तो +6 होने के लिए 8 वाला पॉजिटिव होना चाहिए और 2 वाला नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि आंसर में बड़े नंबर का ही साइन आता है ठीक है 8 − 2 = 6 एंड 8 × −2 = −16 सो हाउ इट विल बी p² + 8p − 2p − 16 ओके नाउ फ्रॉम दीज टू वी कैन टेक आउट पी एज कॉमन p + 8 फ्रॉम दीज टू वी कैन टेक आउट −2 शुड बी कॉमन देन ओनली वी विल गेट p + 8 नाउ p + 8 विल कम आउट एंड देन p − 2 देखिए इसके बाद वाला स्टेप तो हम पहले भी कर चुके हैं अगर 4 टर्म हो तो पहले 2 में से कॉमन निकाल लो फिर बाद के 2 में से कॉमन निकालो दिस मच वी हैव डन ये जो बस स्प्लिटिंग की टेक्निक है अगर हम सही स्प्लिटिंग करेंगे तो ही जाके हमारा सही आंसर आएगा यू कैन डू फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ सच टाइप टू हैव अ क्लियर पिक्चर दैट हाउ यू कैन स्प्लिट मिडिल टर्म बाय फैक्टराइजिंग द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशियंट ऑफ x² एंड कॉन्स्टेंट टर्म सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास थैंक यू एवरीवन